वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनु शर्मा द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अपन 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे बच्चों, उसको कंटिन्यू करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, अपना टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। ब्रह्मांड में कौन से मूलभूत बलें होती है, कौन से बल होते हैं, तो चार बल अपन पढ़ने थे, दो बल अपन ने पढ़ लिए थे, दो बल अपन पढ़ लेते हैं। इसको लिख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। देखो, पहला फोर्स अपन ने, पहला बल अपन ने पढ़ा था ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। वो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो मास बॉडीज के बीच लगता है, और उसका जो कैरियर पार्टिकल होता है वो एक हाइपोथेटिकल ग्रेविटोन होता है। सेकंड, मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। अपन ने जो फोर्स पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, ये दो चार्ज पार्टिकल्स, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगता है, और उस बल का, उस फोर्स का जो कैरियर पार्टिकल है, उसको कैरी करने वाला वो पार्टिकल कौन सा था बच्चों? फोटोन, लाइट पार्टिकल, क्योंकि लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो है। थर्ड जो अपनी फोर्स बच्चों को आ रही है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। देखो, प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का क्या काम होता है? आप जैसे सपोज करो, ये बोलते हो C6H12, मान लो कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, तो कार्बन एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो, इसके अंदर ये जो होता है यहाँ पे अपना एटॉमिक नंबर, एंड दिस इज द मास नंबर। मास नंबर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बोले तो नाभिकीय कण, जिसके अंदर प्रोटॉन भी इंक्लूड है, न्यूट्रॉन भी इंक्लूड है, क्योंकि दोनों नाभिक में रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। तो प्रोटॉन इसके अंदर 6 है, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 6 है, और अपन जानते हैं बाय डिफॉल्ट जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम इट इज अ मस्ट कंडीशन। उदासीनता अगर किसी भी एटम की होती है, परमाणु की होती है, तो उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो कहने का मतलब, अगर मैं ये बोल रहा हूँ C6H12, तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। किसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसमें रहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, अंदर क्या रहता है? अपने कमरे में कौन बैठे रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, नाभिक। यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पे प्रोटॉन भी है बेटा, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। एक काम मैं आपको छोटा सा होमवर्क ये देता हूँ आज, कि आप इस मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, इसको थोड़ा सा गूगल करें। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, क्लियरली, गूगलिंग इज ए स्किल। अगर आपको गूगलिंग करनी आती है तो आप कुछ भी देख सकते हैं, गूगल करें इसके बारे में थोड़ा सा, कि इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ दिखाई देता है? क्या इलेक्ट्रॉन को देखा जा सकता है? किसी भी मैटर को मैं इतना जूम करूं, अगर मेरी स्किन को इतना जूम करूं, मुझे एटम्स दिखें, तो क्या उस एटम में मुझे ये दोनों चीजें दिखाई देती है? आर दे ऑब्जर्वेबल? क्या ये ऑब्जर्वेबल है, दिखती है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन अपनी जगह पे बैठे हुए भैया, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं? इसके बारे में आप थोड़ा सा आज डिस्कस करना, और देखना कि ये चीजें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं, ये जो चीजें आपको बताई जा रही हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऐसा प्रोटॉन हो जाए, आर दे रियल और जस्ट इमेजिनरी? अगर इमेजिनरी है तो फिर सच्चाई क्या है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। तो देखो, अगर यहाँ पे 6 प्रोटोन है, 6 न्यूट्रॉन है, आप जानते हो कि एक प्रोटोन दूसरे प्रोटोन को क्या करता है? प्रतिकर्षित, रिपल्शन होता है। एक प्रोटोन को दूसरे प्रोटोन के पास लाएंगे तो दूर भागेंगे। अब मैंने तो क्या कर रखा है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, एक डॉट है, मान लो इस डॉट के अंदर मैंने 6 प्रोटोन बिठा दिए, ये लो 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 6 प्रोटॉन्स को मैंने एकदम क्लोजली पैक कर रखा है, एकदम छोटे से रूम में मैंने 6 प्रोटॉन डाल दिए, वो क्या दूर दूर नहीं भागेंगे? तो कार्बन की बात है बच्चों, आप हैवी एलिमेंट्स में जितना जाओगे उतनी ही अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। आप बात करते हो गोल्ड की, टंगस्टन की, जितने हैवियर एलिमेंट्स हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो इंक्रीज होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा, मास नंबर भी इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब, ये प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स, जिनको मैंने एक कमरे में बंद कर दिया, इस न्यूक्लियस को जूम करके दिखा रहा हूं, तो क्या ये प्रोटॉन एक दूसरे के पास अच्छे से बैठे रहेंगे या दूर दूर भाग जाएंगे? दूर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दे विल रिपेल ईच अदर। तो फिर होना ये चाहिए कि जो न्यूक्लियस है उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है? किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, अंदर आता है, फ्री होता है, बाउंड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस स्टेबल है, चाहे उसमें कितने भी प्रोटॉन डाल दो, बाय डिफॉल्ट स्टेबल होता है। क्यों? तो देखो, इसके पीछे का जो कारण है वो है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक ऐसी फोर्स होती है, एक ऐसा बल होता है जो इन न्यूक्लियॉन्स को, इन नाभिकीय कणों को, मतलब कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को बांध कर रखता है, इनको टाई अप करके रखता है, उस फोर्स को अपन बच्चों क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
ठीक है, आया समझ में? अगर ये बल नहीं होता, ये फोर्स नहीं होती, तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक कमरे में बैठ नहीं सकते, वो भाग जाते हैं। अगर न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स भाग गए, न्यूक्लियस को तोड़ के, तो फिर एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो बल है, ये जो फोर्स है, उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल बच्चों होती है। देखो इसका जो कैच है वो क्या होता है, ग्लूओन, उसको बोलते हैं ग्लूओन। ग्लू समझते हो, ग्लू क्या करता है, दो चीजों को चिपकाने का काम करता है। वैसे ही यहाँ पे दो प्रोटॉन्स को बांध के रखने का, अरे नहीं भाई तेरे को नहीं जाना, ये प्रोटॉन बोलता है मैं तो यहाँ से भागना चाहता हूँ, ये बोलता है नहीं मैं इससे दूर भागना चाहता हूँ। इनके बीच में एक ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा पार्टिकल इनके बीच में एक्सचेंज होता है, जिस पार्टिकल को क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लूओन, जो इनको पकड़ के रखता है, ग्लू की तरह काम करता है, इसको नहीं भागने देता, इसको नहीं भागने देता, तीसरा आ गया उसको भी नहीं भागने देगा। तो ग्लूओन इसका क्या है, कैरियर पार्टिकल होता है, जिसकी वजह से नाभिक अपना जो है, न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होगा। उसके बाद में बात आती है अपनी बच्चों लास्ट जो फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स जस्ट इसका उल्टा काम करती है, ये तो नाभिक को न्यूक्लियस को टाई अप करके रखती है, बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है, नाभिक का विखंडन कर देती है, उसको तोड़ देती है। उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। इट इज द फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्वड इन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके। बीटा डीके एक रिएक्शन होती है, बीटा क्षय जिसको बोलते हैं, उस रिएक्शन में कौन सी बल काम करती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करती है। इस बीटा डीके के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या जब भी अपने सिलेबस में आती है, 12th क्लास में आता है बीटा डीके। इस बीटा डीके में क्या होता है बच्चों, इतना समझ लो कि एक न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो कुछ ऐसी रिएक्शन होती है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उस रिएक्शन को बीटा डीके बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, और एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है या पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है। तो उस बीटा डीके के पीछे, उस न्यूक्लियस के विखंडन के पीछे, उसके न्यूक्लियस के फिजन के पीछे का जो रीजन होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट इज कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ W और Z बोसोन। ये दो पार्टिकल्स होते हैं W एवं Z बोसोन। इन दो पार्टिकल्स की वजह से, दो बोसोन पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, इस फोर्स का, ये फोर्स कैरियर्स है इसके, इस फोर्स को कैरी करते हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियस का फिजन होता है। तो ये बात हुई अपनी फोर फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि कौन सी फोर्स स्ट्रांग होती है और किस फोर्स की रेंज कितनी होती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इन चीजों के नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।